हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमृत राज एंड वेलकम टू कुसुम नेट क्लासेस। तो साथियों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ICSSR फेलोशिप के बारे में। तो इसमें कौन कौन से बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, पहली बात ICSSR फेलोशिप होता क्या है, किन किन सब्जेक्ट वाले छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों को वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है, और अल्टीमेटली जिन लोगों के पास नेट नहीं है, जिन लोगों के पास JRF नहीं है, वो लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कितना फेलोशिप आपको मिलता है और कितने दिनों तक दिया जाता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें, और वीडियो पसंद आए तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ICSSR फेलोशिप है वो किसे दिया जाता है। ICSSR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें रिसर्च करने के लिए एक फेलोशिप भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उन छात्रों को दिया जाता है जो ऑलरेडी PhD में रजिस्टर्ड हैं। ध्यान रखिएगा, जो PhD कर रहे हैं उनको दिया जाता है, जो PhD करना चाहते हैं उनको नहीं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है PhD में और आपके पास नेट नहीं है, JRF नहीं है, नेट है लेकिन JRF नहीं है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और नेट नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप PhD में इनरोल्ड हैं तब। कौन कौन सब्जेक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। MHRD के द्वारा दिया जाता है, जो भारत का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, शिक्षा मंत्रालय जिसको आप आजकल नए नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट वाइज यदि बात करें तो इसमें इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट वाले कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कर सकते हैं, सोशियोलॉजी वाले कर सकते हैं, सोशल वर्क वाले कर सकते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाले कर सकते हैं, कल्चरल स्टडीज़ वाले कर सकते हैं, सोशियो संस्कृत स्टडीज़ वाले कर सकते हैं, सोशियो फिलोसॉफिकल स्टडीज़ वाले कर सकते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक वाले कर सकते हैं, जेंडर स्टडीज़ वाले कर सकते हैं, हेल्थ साइंस वाले कर सकते हैं, हेल्थ स्टडीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक विज्ञान है उसके छात्र भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ वाले कर सकते हैं, IR वाले स्टूडेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले कर सकते हैं, डायस्पोरा स्टडीज़ वाले कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ पे जो रिसर्च करते हैं वो भी कर सकते हैं, एजुकेशन पे कर सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी पे कर सकते हैं, यानी सोशल साइकोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, लीगल स्टडीज़ वाले, सोशल ज्योग्राफी वाले, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाले, मॉडर्न सोशल हिस्ट्री वाले और मीडिया स्टडीज़ वाले और लाइब्रेरी साइंस वाले। तो कमोबेश जो भी सब्जेक्ट जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यदि आपका सब्जेक्ट इन लिस्ट में से है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। पहला तो PhD में इनरोल होना चाहिए, वो तो क्लियर है। कैटेगरीज ऑफ फेलोशिप या डॉक्टरल फेलोशिप है इसको, क्योंकि जो डॉक्टरल डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। इसमें एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड है, एक इंस्टीट्यूशनल के द्वारा दिया जाता है, एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, और एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड है लेकिन वो कोई कॉन्टिजेंसी के तौर पर, एक ग्रांट के तौर पर आपको दिया जाता है। तो इसमें चार प्रकार का फेलोशिप है, आपको कोई भी दिया जा सकता है। एलिजिबिलिटी डाल लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है। सबसे पहली बात, आपका PhD में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। RDC जो रिसर्च डिग्री कमेटी होता है, या DRC जो भी होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना तय मतलब होना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं, आपका टॉपिक कन्फर्म होना चाहिए। ठीक, टॉपिक कन्फर्म होना चाहिए तभी मिलेगा। दूसरी बात, 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए, 45% ग्रेजुएशन में चाहिए और 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5% आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। ध्यान रखिएगा, यदि आपका मार्क्स इतना नहीं है तब आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, नेट स्लेट एंड MPhil फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल कैरी वेटेज इन द असेसमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, यानी जो आप रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे भेजेंगे उसमें जिनके पास नेट है, जिनके पास स्लेट है, जिनके पास MPhil है, उनको इस स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक, इसीलिए जिनके पास JRF नहीं केवल नेट है, PhD कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि उनको मिल जाएगा। लेकिन यदि संख्या उनकी है ही नहीं और जो बिना नेट वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें नेट का एग्ज़ाम होता ही नहीं है और उस सब्जेक्ट में आप PhD कर रहे हैं तब आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे बात करते हैं तो क्या नेट सेट वाले जो कैंडिडेट हैं केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं।
ठीक वह मैंडेटरी नहीं है, क्लियरली उन्होंने लिखा नेट स्लेट क्वालिफिकेशन आर नॉट मैंडेटरी फॉर एलिजिबिलिटी पर्पस। However, the submission of NET SLET certificate is mandatory to secure weightage. यानी कि आपको weightage चाहिए, आपको priority चाहिए, तब आप यहाँ पे देना पड़ेगा। Scholar should not be more than 40 years of age. आपका उम्र 40 साल से ज़्यादा है तब आप apply नहीं कर सकते हैं। SC/ST candidate हैं तो 45 years तक apply कर सकते हैं। दूसरी बात, candidates who have already availed UGC Junior Research Fellowship, then you are not able to apply. दूसरी बात, RGNF मिला है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप आपको मिला तब भी नहीं कर सकते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिला आपको तब भी नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी नेशनल लेवल का फेलोशिप आपको पहले से मिल रहा है तब आप नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग इसमें हाउ टू अप्लाई। तो इसका एडवर्टीजमेंट आता है, उसका इंतज़ार कीजिए, आएगा तब उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। इसमें हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि यह फेलोशिप दिया किनको जाता है। तो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए आपके पास, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नेट सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि आप नेट पास हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी में भी, जिस पे आप पीएचडी करने जा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए टॉपिक। ऐसा नहीं कि यहाँ टॉपिक दे दिया फिर आपने टॉपिक बदल लिया रिसर्च के लिए, ऐसा नहीं। प्रोसीजर टू अवार्ड, आप देख रहे हैं आपका एप्लीकेशन भेजा जाएगा, फिर यहाँ की टीम जो है स्क्रूटनी करेगी और उसके बाद आपको फेलोशिप दिया जाएगा। ड्यूरेशन एंड वैल्यू की बात करें तो डॉक्टर फेलोशिप जो है फुल टाइम रिसर्च वर्क है, तो इसमें फेलोशिप जो है 2 साल तक दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जब तक पीएचडी सबमिट नहीं होता है तब तक भी दिया जाता है। वैल्यू ऑफ फेलोशिप है 20,000 पर मंथ, कंटिजेंसी जो है वह 20,000 पर एनम है, यानी कि 20,000 प्रत्येक साल आपको कंटिजेंसी के तौर पे, 20,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग एंड रिसर्च एंड फेलोशिप, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा उसके अगले 2 सप्ताह के बाद से आपको यहाँ पे सिलेक्शन रिसर्च फेलोशिप आपका शुरू कर दिया जाएगा। आगे और बात करते हैं, ये क्या मेल भेजे जा रहे हैं। आगे और बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डॉक्टर फेलो, ये तो सब मैंने बता दिया आपको। मॉनिटरिंग ऑफ फेलोशिप आपको मतलब टाइम टाइम पे चेक किया जाएगा, रेगुलर फेलोशिप दिया जाएगा, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ फेलोशिप इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथली एंड एनुअल प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है 6 महीने पे सुपरवाइजर से आप लिखवा लेते हैं कि हाँ आपका रिसर्च प्रोग्रेस पे या साल भर पे भी, वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप ये आप देख सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अदर कंडीशंस इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जानने की। सो यहाँ से आप जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी इसका एडवर्टीजमेंट आया नहीं है, यहाँ से जा करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर आप अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और फिर ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।